नमो अहंकार नमो सिद्धार नमो आर्यानम नमो छायानम नमो देवकारुणम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते पृथ्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते ये झाया झाने कहे कम कलंक दहे परम परम को नम। जैन दर्शन में भाव भाषण का बहुत महत्व है। भाव भाषण का स्थूल अर्थ क्या होता है जानते हो? क्या होता है? बस बस भाव भाषण का मतलब है अभिप्राय समझ लेना। बच्चे से मेहमान चार आ गए और पिता ने कहा बेटा पानी लाओ, तो उसने चार गिलास एक जग है और थोड़ा सा मीठा ला करके रखा। खुल्ला के लिए अलग पानी, बा के लिए अलग पानी। कहा ये कौन ने कही? अभिप्राय समझ लिया। अपने अभिप्राय के अनुसार हमने गिनवाणी पढ़ी है, गिनवाणी का अभिप्राय नहीं समझा, इसीलिए तो संसार में भटक रहे। भाव भाषण का मतलब है अभिप्राय का ग्रहण करना। और अभिप्राय क्या है? कल कहा था, परसों कहा था, वैद्य तो रोग मिटाना चाहता है, शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि देता है और उष्ण की अधिकता देखता है तो शीत औषधि। श्री गुरु तो रागादिक मिटाना चाहते हैं तो मिथ्यास की प्रधानता के कथन के होकर मिथ्यास मिटे बिना राग मिट नहीं सकता। राग और मिथ्यास में राग के ही संबंध में क्या अंतर है? राग सुखरूप है, राग मेरा स्वभाव है, राग से कार्य होता है। इस अभिप्राय का नाम मिथ्यास है। हम राग करेंगे तो काम हो जाएगा, राग की पूर्ति में सुख मान लिया, राग मेरा स्वभाव है। सभी स्वाध्याय करेगी समय सार जीता सु रागारिक भाव स्वयं के किए ही होते हैं और स्वयं के मिटाए ही मिटते हैं। स्वयं करता है इन रागारिक भावों का अचोदन। ऐसे ये कथन क्यों किया? अगर दूसरा कराएगा तो मिटेगा भी दूसरा, फिर पराधीन हो जाएंगे रागारिक के मिटने में। हाँ भाई, थोड़ा सहयोग करो कि बिल्कुल सहयोग मत करो, उपसर्ग और करो तो भी राग मैत्री में स्वतंत्र रहेगी। आदि स्वर को मुंदाज की दिशा में कितने उल्टे काम कर रही थी जनता। कोई हाथी ले आए, कोई घोड़ा ले आए, कोई रत्न ले आए, कोई वस्त्र आभूषण ले आए, कोई कन्याएं ले आए, आहार मिले और तो भी समता समता समता। इसका मतलब समता पराश्रित भाव नहीं है। समता दो मिलकर के नहीं करेंगे, अकेले बन बैठे भिकाइए। चाहे कितना ही उल्टा परिणमन करे जगत, ये जीव समता रखने के लिए स्वतंत्र है। कोई नहीं माने, नहीं माने मत मानो, तो अभी क्षमता रखने के लिए स्वतंत्र। मानी तो सवास, नहीं मानी तो तेरा दब। इसी प्रकार पानी में सुधार, ये तो हमारे विद्वानों के वचन है। सोचो क्षमता रखने की विधि, उनकी होनहार का विचार करने पर ही क्षमता ऐसी है, इनकी होनहार ही ऐसी है। विचार का एक पंचम कार आएगा,
ज्ञान की हीनता होगी, तो ऐसे ही तो होगी, विनय की हीनता होगी, जिज्ञासा की हीनता होगी। अज्जल गगरी तो छलकती है भाई, ज्ञान की हीनता होगी तो ज्ञान के कारण की हीनता होगी कि नहीं होगी, विनय की हीनता होगी, नहीं मानेंगे। सत्पुरुष दो चार होंगे तो दो चार क्या होंगे, उनका उसी प्रकार का द्रव्य चेत काल वाक और निर्वाह दिखाई दिया है। जंगल में चलेगा अब संगना नव नहीं उस करेगी, और आहार के लिए निकलोगे तो क्या नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसी व्यवस्था बनाओगे, सामान्य शुद्ध भोजन करने वाले की तो लेने की देनी देनी, अपने निमित्त से आहार नहीं बने, हमने क्या करोगे बता, और अपने परिणामों की हिंसा भी सहन शक्ति भी नहीं है उस तरह की, राग भी इस प्रकार का नहीं घटा, जो कार्य नहीं होना है उसके कारण भी नहीं होंगे, और जो कार्य होना है उसके कारण होंगे, जीवों की दरिद्रता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, कलह बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे, क्यों, विषय बढ़ेंगे, विषय कषाय बढ़ेगा, विषय कषाय की तीव्रता है, इसलिए ये सब पाप अर्थात वेदी कर्म का बंद होगा, उसका उदय आएगा, उससे जो वो का उदय देख ले जो कुछ है, तो एक तो एक को घर घर में भी सुरक्षा नहीं, घर में पकड़ के आकर के मारे लूट है डकैती जा गई, और जंगल में भी सुरक्षित लौट गया, भैया ये कर्म भोगने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं, बिना दिए नहीं छूटे है लेसक दाम उधार, अभी तुम्हें कुछ नहीं लग, कुछ नहीं होता, क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, जब कर्म का उदय आता है तब क्या होता है सोचो, और ये चार गति 84 लाख योनियों की ये दशाएं दिखाई दे रही, रोग बीमारी दरिद्रता ये सब दिखाई दे रहे, तो क्या किसी कर्म का उदय तो है, किसी की देवता का श्राप तो है नहीं, समझ लो, मन में भी अगर अभी खोटा भाव आ गया तो उदय में आएगा, मन में भी आ गया, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन तीनों चारों नौ सब मिलकर के, कभी अकेले मन में, कभी अकेले वचन में, कभी अकेले काय में, भाव कुछ नहीं था, एकदम कोई घटना नहीं दी, चुपचाप जोर से बोल पड़े, वचन में है भाव में नहीं, लेकिन उसका उदय आएगा, हमारा अभिप्राय नहीं है, अरे अभिप्राय नहीं है तो अनंत आनंद नहीं होगा, कर्म की स्थिति अनुभाग थोड़े पड़े जाएंगे, लेकिन उदय में तो आएंगे, कर्म के ज्ञान भी नहीं है, कर्म के दया भी है, हर बात को गंभीरता से सोचो, समुद्र में घुसो और नीचे तब मोती निकाल पाओगे, जिन शास्त्रों में तो पग पग पर लौकिक कार्य घटाने का रागादिक मिटाने का उपदेश है, अगर मिट न पाए तो घटती ज्ञान घटाइए, और वाय त्याग भी अंतरंग के परिणामों के लिए है, अपने रागादि घटाने के लिए है, अनुवर्त महाव्रत, कोई वेश नहीं है, क्रियाएं नहीं है, जगत को रिझाने के लिए नहीं है, प्रशंसा के लिए नहीं है, पुण्य के लिए नहीं है, अकेली पुण्य बन जाए, मोक्ष मार्ग की नियमित क्रियाएं हैं, भाव भाषण के बिना क्या होता है बता, शास्त्र पढ़े, अध्यात्म शास्त्र पढ़े, तत्वों की परिभाषाएं पढ़ी, सब रटे,
सुनता है तो सुना देता है, पढ़ता है तो पढ़ा देता है, पढ़ लेता है, कुछ निर्धार नहीं। भाव क्या है? ये निश्चयाभास द्वाराभास उभयाभास कैसे खड़े हो जाते हैं? भाव भाषा नहीं होने के कारण तो है। आत्मा स्वभाव से भगवान है, राग मिटाने के लिए है, प्रसन्न होने के लिए नहीं है। चाहे निश्चय का उपदेश हो, चाहे व्यवहार का उपदेश हो, चाहे सद्बुद्ध का हो, चाहे असद्बुद्ध का हो, सब उपदेश रागादि मिटाने के लिए है, रागादि घटाने के लिए है। आप ये सोचो हमारा दुर्भाव कैसे मिटे, हमारा प्रमाद कैसे मिटे, ये छोड़ो, हमारा मोह कैसे छूटे नंबर एक पर, तो ये सोचो। भगवान के दर्शन करो, रोज करो। कैसा ज्ञानी है जो भगवान के दर्शन रोज नहीं करता? तो लेकिन ये दर्शन मोह मिटाने के लिए है, अपने हित अहित को, अपने स्वरूप को, सुख दुख को पहचानने की, सुख दुख के कारणों को पहचानने के लिए, तत्वों का निर्णय करने के लिए दर्शन। अगर आप देखते ही ये तत्वों का निर्णय नहीं करते तो अभिमान है खाली और कुछ नहीं। कभी मन कसा हो गई, मतलब क्या निकला? कुछ नहीं। भाव पक्ष को कमजोर क्यों करते हो? अगर भाव पक्ष कमजोर है, क्रिया पक्ष तुम्हारा चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो आपको कहा था, अब सुनते नहीं हो तो हम क्या करें? मत सुनो। दर्शन की पहले हमारी कैसे परिणाम थी, दर्शन की बात कैसे परिणाम हुई, क्या अंतर आया हमारी अभिप्राय में, इसको सूक्ष्मता से गहराई से सोचो। स्वाध्याय से पहले कैसे परिणाम थे, स्वाध्याय के बाद कैसे परिणाम? अपने कुछ भूल लगी तो नहीं लगी कि जय कैसा है, हमारी का गलती, हमारी का गलती है? हमें समझ में ही नहीं आ रही भैया। समझने के लिए विनय चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, सरलता चाहिए। अहंकार में कैसे समझ में आया है? लेकिन तो ये नहीं लगता, ये हमारा अहंकार, समझाने का भाव और समझने के भाव का कोई अंतर है कि नहीं है? अपनी बुलाने बता दो तो जी बता, तुम आप हमें बताने आए हो कि अपने हमारी सुनने आए हो? ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अरे हम ये कह रहे हैं अपने को पहचान लो भैया, अपनी भक्ति को समेटो। अब नहीं लगा तो नहीं लगा, चार दिन सुनेंगे, दस दिन सुनेंगे और बस प्रोग्राम अपना सेट है। जो प्रोग्राम है, जिसका जितना कर, और अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे, बस। और क्या करोगे? विपरीत दिशा में और तेज दौड़ने लगो, और तेज दौड़ने लगो, और तेज दौड़ने लगो, तो क्या जल्दी पहुंच जाओगे? दिशा तो बदलो, सामने करो, सोचने का तरीका तो बदलो, अपनी कल्पनाएं मत करो, आगम के अनुकूल विचार करना। जब आचार्य भगवान करें दर्शन रोज करना चाहिए, तो इसका अभिप्राय है दर्शन काय के लिए? अपने मोह मिटाने के लिए। और आपका मोह मंद भी नहीं हुआ, क्या मतलब नहीं करा दर्शन का? राजा जी घटाने के लिए है भाव आसन, मतलब अभिप्राय को समझ लेना।
वक्ता का अभिप्राय ही तो नहीं कहलाता है। वक्ता किस अपेक्षा से कह रहा है? अरे कोई नए का कथन हो लेकिन होगा मोह मिटाने के लिए, रागादि घटाने के लिए। कोई कथन जिनागम में मोह बढ़ाने के लिए, मोह पुष्ट करने के लिए, पक्ष पोषण के लिए नहीं है। व्यवहार परमार्थ के लिए है। जो जी व्यवहार में संतुष्ट हो जाता है वह भी भूल में है, भूल में है, उसी को धर्म मान बैठे। अरे धर्म के लिए था वो जो व्यवहार था, माने हमारा देव दर्शन, हमारा स्वाध्याय, हमारा सामायिक काय के लिए थी, आत्मनिरीक्षण करने के लिए थी। हम अपने हित अहित को पहचाने, हित के कारणों को अहित के कारणों को पहचाने। हित अहित माने, हित अहित माने क्या होता है? संसार मुक्त, और हित के कारण माने संबंध निरा, अहित के कारण माने आश्रय बंद। और हित का आश्रय जीव और अहित का आश्रय जी, सात तत्व आ गए इसमें। मतलब ये है, हमारा ये दर्शन तत्व निर्णय के लिए है, समागम तत्व निर्णय के लिए है, स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए। एक लक्ष्य रखो, पढ़ना पढ़ने के लिए नहीं है। कोई दृष्टांत याद है? बोलो। दर्पण चेहरा देखने मात्र के लिए नहीं है, अपना चेहरा संवारने के लिए है। आज तुमने दर्पण देखा था क्या? हो और देख रहे बात करे। अरे दर्पण देखने के लिए थोड़ा ही है, दर्पण तो अपना चेहरा संभालने के लिए। शास्त्र केवल पढ़ने के लिए और परिभाषाएं रखने के लिए थोड़ा ही है, पीएचडी की उपाधि करने के लिए थोड़ा ही है, यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के लिए और बोर्ड की डिग्रियों के लिए नहीं है। क्या हमने विशारद कर लिया, हमने शास्त्री कर लिया, हमने न्यायाधीश कर लिया, हमने साहित्याचार कर लिया, हमने पीएचडी का डॉक्टरेट कर ली? अरे ये उपाधियों से भिन्न स्वरूप को पहचानने के लिए है, समाधि के लिए है। जब हमने अध्ययन हो जाएगा, वाह ये कोई बात नहीं, हमने फार्म भर दिया, पीएचडी कर रहे हैं, इस बहाने अध्ययन भी हो जाएगा। लेकिन वो अध्ययन कैसा होगा ये बताओ, लक्ष्य क्या है उसमें? क्या हम उसको स्वाध्याय संज्ञा दे सकेंगे? एक प्रूफ रीडर बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ा, एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक अक्षर पढ़ रहा है, क्या हम उसे स्वाध्याय की संज्ञा दे पाएंगे? अरे पढ़ते पढ़ते कुछ विचार चल जाए और स्व का लक्ष्य हो जाए तो भी हम कह दें चलो कोई बात नहीं। दर्शन करते करते अगर हमें कुछ भेद ज्ञान जग जाए, ये परिग्रह दुख का कारण है, ये कर्तत्व का अहंकार मिथ्या है, भगवान क्या कर पाए बता, क्या कर पाए? जब वे नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? दुर्लभ इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर लेना। सदुपयोग कर लेना माने उपयोग को सद में लगा देना, असत से हटा लेना। आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, तुझे परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा सा प्रकट करने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। कहाँ भटक रहे हो? इनके अधीन नहीं है कि ये माने तब हम सुखी हो। क्या करें, बड़ी अशांति है हमारे घर, क्यों कोई मानता ही नहीं? तो अशांति तुम्हारे अज्ञान के कारण है, कोई नहीं मानता इसलिए नहीं है। उस अज्ञान को पकड़ो, कोई मानता नहीं है तो ही तुम उसको अपना मानते हो ना। अरे कोई माने ना माने ये बात अलग है,
कोई नहीं मानता तो भी हम उसको अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, तो वो अज्ञान अशांति के कारण है पर को अपना मानना। वो हम मान रहे पर नहीं मानता इसलिए नहीं अशांति है, लड़का नहीं मानता लड़की नहीं मानती, फलाना नहीं मानता और हम मानते नहीं। हम स्वतंत्र हैं इस समय भी अपना कार्य करने के लिए, पर का कार्य करने के लिए नहीं, ध्यान रखना। अब भ्रम से तुम पर के कार्यों को अपना कार्य मान रहे हो, पर के परिणमन को अपना परिणमन मान रहे हो, तो तुम्हें कौन शांत कर सकता है? चलो आप कहां जाओगे? इतने लोग मान जाएंगे तो सबरे गांव को मनवाने की कोशिश करोगे, और सबरे गांव के मान जाएंगे तो सबरे देश को मनवाने की कोशिश करोगे। तुम्हें ये जिन प्रतिमा देखते हुए ये विचार आना चाहिए, आना न चाहिए ये हम नई भाषा बोल रहे, ये दिव्यान योग की भाषा है। वस्तु निश्चय कथन है, करना चाहिए क्या? इस शांत मुद्रा को देख करके ये विचार करना चाहिए हमारा कर्तव्य मिथ्या है। कैसे खूब निर्णय करो, पढ़ो लिखो, नए विवक्षा लगाओ, जो कुछ भी लगाना हो, लेकिन ये सोच लो हमारा कर्तव्य मिथ्या है। हमें ये सिद्ध करना है, अपने को ये समझाना है कि हमारा कर्तव्य मिथ्या है। हम नहीं समझा पाएंगे और नहीं समझा पा रहे, समय बढ़ाएंगे। अरे समय नहीं बढ़ाओगे दृष्टि बदलोगे। हम उनसे देश का प्रधानमंत्री कितने विदेश यात्रा करता है और लेकिन निगाह कहाँ है? जो बातचीत करेगा देश के लिए करेगा, देश के हित में करेगा। दुनिया में घूमो, हाथी डोले गांव गांव जाको, हाथी चाको ना, ये गांव में कहावत थी। अरे भाई कहीं जाओ लेकिन अपने हित के लिए, देश के हित के लिए। अपना तो समझेंगे नहीं, समय बढ़ाएंगे, समय तो बढ़ गया, रह रहे यही रह रहे, लेकिन रह रहे यहाँ और सोचे देश की है। हम आत्मा और सोच रहे शरीर की, शरीर कैसा ठीक रहे हमारो। जब तुम स्वास्थ्य के लिए यहाँ रहोगे तो तुम्हें स्वाध्याय कैसे होगा जी बता? सब पकड़ोगे या अभिप्राय बदलोगे नहीं भैया। समय बढ़ाने से ये विपरीत दिशा में स्पीड बढ़ाने की तरह है, रास्ता भूल गए, विपरीत रास्ता में चल गए और स्पीड बढ़ा। अरे दिशा पहुंचो, दिशा बदलो पहले। कछुआ की चाल भी चलोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन विपरीत दिशा में चलने से तो तुम चाहे कोई सी चाल से चलो नहीं पहुंच पाओगे। अपने हिसाब से हम सोचेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे। ये बातें वैसे ही नहीं लिख दी है भाई। स्वच्छंदता से अनंत काल में भी जी मार्ग नहीं फंसा, स्वच्छंद माने अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हम सोच रहे, हम कर रहे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम इसको समझा देंगे, हम इसको बदल देंगे, ये इसका नाम स्वच्छता है। अब तुम्हें ये मालूम पड़ रहा है कोई बाजार में खाने जाएगा फीला, अरे बड़ा स्वच्छंद आदमी, अरे वो तो स्वच्छंद है ही, इसको छू अपनी स्वच्छता देखो ना। स्वच्छंद माने कार्य को अपने हिसाब से करने की मान्यता, इच्छा। अरे द्रव्य अपने हिसाब से पढ़ने में गया कि तुम्हारे हिसाब से पढ़ने में गया जी बताओ? हम सोच रहे बच जा तो बचे गया, अब उसकी आय पूरी हो गई तो कैसे बचेगा भाई? हम सोच रहे जल्दी मर जा, तकलीफ बहुत है। अरे तुम सोचते रहो, जितनी देर तक आयु काल है उतनी देर तक संकलित परिणाम से बचने के लिए भगवंतों की भक्ति में अपना चित्त लगा। क्या कह रहे?
जितना आयु काल शेष है उतने समय में संकलेशता से बचने के लिए अपने पंच परमेश्वरों की भक्ति में चित्त लगा, तत्व विचार में चित्त लगा, वैराग्य भावना में चित्त लगा, बारह भावनाओं में चित्त लगा, ये तो तुम्हारी संभव है। हम लोग जल्दी मर जाए, जल्दी कैसे मर जाए? जीवित मरना संसार में तन राज सुखान बंदाना नहीं, ये क्या है, ये क्या है? अरे हम कहा पढ़ गए? सलेखना के अतिचार है। अतिचार माने सलेखना को बिगाड़ने वाले हैं, दोष हैं। क्या अब तो तकलीफ कम हो गई, अब बच जाए तो अच्छी है। तकलीफ बहुत है, अब जल्दी प्राण छूट जाए तो ए भैया उसको बुला दो, मर करके हम स्वर्ग आदि में जाए निदान। ये सब संलेखना को बिगाड़ने वाले हैं। जितने सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे। जितना कर्म की स्थिति अनुभाग की देरियां पड़ी हैं उतने काल तक उस वस्तु को है। सामग्री भी उदय प्रमाण रहेगी, शरीर भी उदय प्रमाण रहेगा, छेवसम भी उदय प्रमाण रहेगा। अभी कोई देना वर्ण का तीव्र उदय आ जाए तो ये समझ लो अज्ञान ज्ञान खत्म हो जाए, कुछ याद नहीं रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगी, हम क्या करें, होश नहीं रहे। वो ज्ञान वर्ण का उदय उस प्रकार का आ गया। जरा से एक विपरीत विकल्प हो गया, बस खत्म मामला, उदयना हो गई। तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, मुझे इतनी बातों को समझ कर मेरा हित हो सो करना। हित काय में है मोह को छोड़ने में, अपने को पहचानने में। मैंने आप दर्शन करिए लेकिन तत्व नहीं रह करते, स्वाध्याय करिए तत्व ज्ञानी होकर के। छोटे मर्जी ने चारों अनुयोग में ये दो प्रकार के अभ्यास ही लिख दिए। बिना तत्व ज्ञान के प्रथम अनुयोग पढ़ते हैं, बिना तत्व ज्ञान के प्रथम अनुयोग पढ़ते हैं। कितने ही तीव्र कसार वाले प्रथम अनुयोग पढ़ते हैं अहंकार आदि के। देखो साहब, आज ईश्वर नीलांजना को नत देख रहे थे, हम टीवी देख रहे तो कहा है? वो बैरागी भाई थे, तुम बैरागी हो? ये बैरागी हुए थे कि नहीं नीलांजना के नट को देखने के बाद? उन्होंने वे नट देख रहे थे कि संसार की क्षणभंगुरता देख रहे थे? दूसरी नीलांजना खड़ी हुई, किसी ने नहीं देख पाया, उन्होंने सूक्ष्मता से देख लिया कि नहीं? उपयोग सूक्ष्म चाहिए, स्थूल उपयोगों से ये तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है भैया। तत्व सूक्ष्म है, मार्ग तत्व अंतर में है, उसकी प्राप्ति भी अंतर में होगी, सूक्ष्मता से होगी। उपयोग को एकाग्र करो, समेटो। आत्मा स्वभाव से भगवान है। क्यों कहा? किन्ने कहा? ये भगवान जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, इन भगवान ने कहा है। और सच्चे देव ने कहा है, वितराग सर्वज्ञ ने कहा है, आत्मा स्वभाव से भगवान है। तुम्हारी कुतर्के नहीं चलेंगे। ऐसा भगवान होते तो हम नहीं बैठे होते, तुम्हें कहां बैठने, जाओ बैठो, यहां बैठना, आ जाओ बैठ जा, अभ्यास करो। यहाँ बैठने का नंबर आ जाएगा आपका, सिद्धालय में बैठना, सिद्धालय का नंबर आ जाएगा। क्वालिफिकेशन तो करो, योग्यता तो कर लो, उसकी योग्य तो हो जाओ। उछल करके चलना चाहो तो नहीं चल पाओ, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलती आओ, ऊपर पहुंच जाओ।
प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान करोगे दुख दूर हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं। पैसा बढ़ जाए कैसे खाओ, पोस्ट बढ़ जाए कैसे खाओ, प्रमोशन हो गया था। अरे प्रमोशन हो गया उससे क्या फर्क पड़ेगा जी बता। निश्चिंत हो गई कैसे गृहस्थी से निश्चिंत हो गए तो बंधन में पड़े हो। अब आपके सारे बच्चों के विवाह शादी हो गए कि नहीं, लेकिन उनकी चिंता है कि नहीं माते हुए कहे सुस्त क्यों महाराज क्या कहें। और लड़की तो वहीं अच्छी है, एक लड़की जरा दुखी है। उस लड़की के पास वहां जाना उसकी तबीयत खराब है, उसके पास वहां जाना उसको कुछ ऐसा करना है। कहे निश्चिंत कहां हो गए, जब लिखा है निश्चिंत होने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए काली, केवल सामग्री नहीं। तत्व ज्ञानी मुनीश्वर बिना परिग्रह के निश्चिंत है कि नहीं बोलो। कल कल को नोता कहा है कहूं नहीं चलेंगे, जाने चलेंगे कि नहीं चलेंगे क्या पता। कितने निश्चिंत है टाइम हुआ उठ करके चल दिए, आहार की विधि मिल गई, आहार हो गया, नहीं मिली लौट गया। पर के आश्रय से चिंता होती है, अज्ञान से चिंता होती है, मोह से चिंता होती है, कसायों से चिंता होती है। अब निश्चिंत कैसे होंगे, इधर से घुमा स्व के आश्रय से निश्चिंत होंगे, मोह छूटेगा उतने निश्चिंत हो जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं मतलब, का हो रहो का नहीं हो रहो, क्या तुम्हें घर का हो रहो, कुछ भी हो रहा हो लेकिन दर्द अपने परिणमन कर रहे होंगे। बोलो दर्द अपना परिणमन कर रहे होंगे। निश्चिंत होने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए निश्चिंत। चिंता अज्ञान से होती है, मोह से होती है, कथायों से होती है, कोई परिस्थिति के कारण से चिंता नहीं होती। और एक बात और कही थी हमने, स्थूल पने से असमर्थ की चिंता होती, समर्थ की चिंता होती है। तुम्हारी माँ नहीं है मान लो, लेकिन इस लड़के की माँ है, माँ को चिंता होती है इसको नहलाना है, इसको दूध पिलाना है, इसको रोटी खिलाना है। अगर कोई कहे तुम्हारी लड़के उसको नहलाओ, अरे वो तो नहालेगा, कहे उसको तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, तुम अरे हम बना के रखे वो तो खा लेगा, पिताजी को चिंता नहीं है, कैसी चिंता नहीं है, अरे वो तो दुकान खोल लेगा। अगर मक्कारी करे, असमर्थ हो गए और कोई तकलीफ हो तब चिंता होगी। तो विश्व में कौन सा द्रव्य असमर्थ है बता दो, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, प्रत्येक द्रव्य में अनादि काल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा कि नहीं। और इतना सारा परिणमन अनादि से अनंत काल तक का करने की सामर्थ्य है कि नहीं, वस्तुगुण है उसमें कि नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें वस्तुगुण नहीं है। अब चिंता करने की जरूरत क्या तुम्हें, तुम चिंता नहीं करोगे तो कब काम नहीं होगा। कभी कभी महिलाएं कह रही थी आदमियों से तुम्हें तो कभी चिंता नहीं, तो तुम चिंता का ऐसा कर लियो जो बता, तुम चिंता करके क्या कर लोगे, उपाय करो चिंता छोड़ो। चिंता स्वयं उपाय नहीं है, चिंता उपाय में बाधक हो रहा है। अरे बीमारी दूर करने के लिए चिंता चाहिए कि उपाय चाहिए, डॉक्टर ने अच्छी तरह देखा और कहा क्या कहा, देखो भाई चिंता की कोई बात नहीं, क्या कहा, लेकिन इलाज की कोई बात नहीं ये तो नहीं कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा ढंग से खाओ और एक छह महीने चलेगी ठीक हो जाओ, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं ना तुमसे चिंता की कोई बात नहीं,
तो चिंता की कोई बात नहीं, इसका मतलब इलाज की कोई बात नहीं, ये कहां से आ गया? चिंता नहीं करो इसका मतलब पुरुषार्थ मत करो, ये थोड़ी अर्थ है। तत्व निर्णय मत करो, ये थोड़ी है। आप न होते हुए कार्य को कर नहीं पाओगे चिंता कर करके, आपको ले भूले न, और होते हुए कार्य को चिंता मत करो तो भी हो जाए। चिंता का कारण पर वस्तु नहीं है, चिंता का कारण तुम्हारा अज्ञान है। दुख का कारण पर वस्तु नहीं, दुख का कारण तुम्हारा अज्ञान है। और अज्ञान जब कहा जाए तो अज्ञानमय सर्व भाव उसमें अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। क्या ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं? संसार जी नहेगा था मूल तो अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं मतलब क्या है? खुलासा करना भैया एक आदमी। श्रद्धा नाम का गुण है लेकिन उसके मिथ्यात होता है, अज्ञानी को मिथ्यात होगा। कोई अज्ञानी ऐसा नहीं, अज्ञान है और मिथ्यात नहीं है। स्वानुभव हुआ और मिथ्यात मिटा, और मिथ्यात मिटने का मतलब मिथ्या दर्शन नहीं, अकेला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या क्या है? वही ज्ञान संन्यस्त हो गया और वही आचरण अब संयम और असंयम में बदल गया। अब वो आचरण तुम्हारा मिथ्याचार का नहीं है, विपरीत नहीं है। भाई गाड़ी उधर जा रही थी और ऐसे घुमा के अब इधर जाने लगी, वही ज्ञान सम्यक हो गया। वही ज्ञान का मतलब वही वैसा ही वैसा नहीं, क्वालिटी बदल गई। वही ज्ञान माने वही मतसुत ज्ञान, अब ये जानने लगा शरीर हम नहीं है, शरीर के बिगड़ने से हम नहीं बिगड़ेंगे, शरीर के नाचने से हम नहीं नाचेंगे, ज्ञान जानने लगा। कोई दोष नहीं प्रकृति का, भगवंतों का दर्शन तत्व निर्णय के लिए करो, और निर्णय है तो तत्व विचार के लिए करो। मतलब दर्शन करते हुए आप तत्व विचार जरूर करो, उसके बिना दर्शन आपका कार्यकारी तो नहीं होगा, मुख्य मार्ग का निमित्त तो नहीं बनेगा। ठीक है थोड़ा बहुत पुण्य बन गया, संयोग सामग्री मिल गई, उससे कोई लाभ नहीं है, फिर जाती कहा? धूप आ गई, निष्ठा आ गई, इसमें क्या दम है? खेती थोड़ी हो रही, खेती तो जब मूसलाधार पानी बरसेगा, जमीन में नरमाई आएगी, शुष्कता मिटेगी, तब खेती जाए जमीन होगी, और उसमें जो बीज बोया जाएगा उसकी खेती होगी। ऐसे ही हमारी हृदय की शुष्कता मिट जाएगी, हमारे हृदय में कोमलता आएगी, हमारे हृदय में वात्सल्य आएगा, जिज्ञासा करेगी, हमें कुछ समझना है। लगता है कभी 24 घंटे में हमें कुछ समझना है, यही लगता है। ये तो हम जानते हैं। हाँ कोई और बात कर, ये तो सीखने अब की ग्रंथ जरूर पढ़ना है। हमें अपने को समझना है, अपना हित समझना है। कभी लगता है कभी ब्रह्मचारी मत बनो, माने ब्रह्म से अपने को सिद्ध समान भी मानोगे तो निश्चय बात होगा। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म से अपने को सिद्ध समान भी मानोगे तो निश्चयावास होगा, मुक्त मार्ग नहीं होगा। सुन लो कान लगा के, ब्रह्म से हमने मान लिया, दर्शन कर लिया, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने सामाय कर ली, कर्तत्व मिटा नहीं, कर्तत्व का अहंकार मिटा नहीं, और हमने कर लिया, हम कर रहे, हम बढ़िया कर रहे, ये भूतल तो परेशान कर रहा है। लोग आप कह देते कभी ऊपरी चक्कर है, ऊपरी चक्कर का हो, यही तो होता है अंतर, यही ऊपरी ज्ञान लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो, वो विराग यहाँ
ये ऊपरी है कि नहीं, ये ऊपरी ऊपरी ये ऊपरी चक्कर है। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें हैरान कर रहा है। बाद बाकी निमित्त हो सकता है नो कर्म, लेकिन हैरान करने का कारण नहीं हो सकता। पहचानो भ्रम से अपने को, जो कुछ भी मान लो मान लो। अब हम पंडित जी हो गए, अब हम त्यागी हो गए, अब हम ग्रस्त हो गए, अब हम सेठ हो गए। अरे माने का दिया है, अगर तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या लाभ हुआ? अरे अगर तुम श्रेष्ठ हो गए तो तुम्हारे परिणामों में उदारता आना चाहिए, विवेक आना चाहिए, सबको साथ लेने की भावना आना चाहिए। लौकिक जीवन में परमार्थ में भेद ज्ञान रहना चाहिए। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, सब छोड़ करके जाएंगे, साथ तो लेकर के जाने की व्यवस्था नहीं, और भोगोगे क्या? ठीक हो जाओगे तो सोना खाओगे का? धन और परोपकार में लगा, उसका सदुपयोग कर लो। खाली अभिमान करने के लिए और कुरीतियों के लिए फिर हो गए, फिजूल खर्ची के लिए फिर हो गए, प्रदर्शन के लिए फिर हो गए, तो पाप बंद होगा और कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे? अरे हम तो कह रहे, तुमसे कह रहे, अब हम पंडित जी हो गए, पंडित जी हो गए तो भेद ज्ञान करो, अपना हित करो। अब तो हम निवृत्त हो गए, तो स्वरूप में परिवर्त हो, धर्म ज्ञान में परिवर्त हो, निवृत्त हो गए तो ताश खेली देख ले, कितने ताश खेल करो। अगर आप निवृत्त हो गए घर गृहस्थी के कार्यों से तो आप धर्म ध्यान में लगो, मंदिर संभालो, स्वाध्याय संभालो, पाठशाला संभालो, ये सब व्यवहार के कथन है। अरे अपना परिणाम संभालो और अपना स्वरूप संभालो, अपने परिणाम संभालो और अपना स्वरूप संभालो। और एक ही बात है, नई विवक्षा का भेद है कथन का, स्वरूप समारोह के परिणाम समझ जाएंगे। क्यों? कोई जीव का स्वभाव दुख नहीं है, कोई जीव दुख नहीं चाहता। अगर अपना हित लक्ष्य रहेगा तो सुख की प्राप्ति का उपाय करोगे, दुख का कारण से नहीं प्रवृत्त होगी अपने आप। ये समझ लो, तुम जो कुछ करने तो करो, लेकिन ये समझो ये सब दुख का कारण, फिर काय करोगे? तुम्हें पीने वो पी लियो, लेकिन ये सोचा कि जहर है, पी ले फिर कैसे पियोगे? मीठा जहर है मन महाजरू, कैसे मन पोषण करोगे? कैसे अपना मन लोगे? कैसे मन दोगे? बोलो। प्रशंसा कर करके खुश करना चाहो और प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहो, आत्मख्याति तो नहीं होगी भाई, पात्रता भी नहीं आएगी आत्मख्याति की। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। दोष सबके सुनने में भी कष्ट होता है, मुंह लटक जाता है, चेहरा बदल जाता है, अंदर का भाव बदल गया ना, और प्रशंसा झूठी करते हैं, आराम से करते हैं, एक घंटा करो दो घंटा करो, बढ़िया सुनेंगे खुश होंगे। सोचो तेरी परिणति किधर जा रही है। आत्महित के लक्ष्य के बिना कुछ भी मत करो, स्वाध्याय करो, आत्महित के लिए करो। आज उपवास करना है, उपवास करो, लेकिन उपवास करना है तो रोटी पानी और धंधा व्यापार कुछ नहीं करना है, तो इसका मतलब खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, विज्ञान को बढ़ाओ, तब वो उपवास चढ़ाते हुआ। और उपवास में खाली रोटी नहीं खाई और सभी काम करते रहे तो मत ही जाओ।
हमारा स्वभाव ही परमात्मा है, यहाँ इतना कर्म के विशेष बढ़ता जाके पीछे पड़ा बल्कि अंदाजा कर रहा जा करना है वो हमारे दिल से जा करना नहीं है तुमको पैसे चिंता के पड़ रहे रहते रहते तो मतलब पीछे पड़े हो पैसा से आ रहे हो पैसे किसी लेकिन पर मैंने कर्तव्य नहीं पर भाव भी पर मैं समझ लेना चाहिए तुमको मना के पीछे पड़ोगे यार मन नहीं रहता ना अरे मन नहीं है ज्ञान का मन नहीं चाहिए ज्ञान का सब दुनिया की संगति होता है मन नहीं जानते कार्यक्रम अग्नि के अग्नि रहेंगे सूर्य नहीं हो पूरे एक आत्मा है पूर्ण ज्ञान है उस आत्मा के आश्रय से सारे संकल्प लिए जाए खत्म अवधारण से खत्म आप घर आ रहे हैं अब आपको कुछ कुछ है अब कौन सी गाड़ी में बैठी अब कौन सी गाड़ी में बैठी कौन सी बैठी घर आ सारे स्वाध्याय का सारे आयोजन का प्रयोजन अपना घर आने का था घर को पहचानो घर की ओर तेरा बड़ा अपने को भूल करके पर को चलता है पर को चलाता है और दूसरी क्या लिखा जब कुछ अपने को जानता है उसी समय परमात्मा स्वरूप हो जाए स्वरूप हो जाए जब भी अपने को जानता है पहचानता है तब मुख्य माजी होता है और अपने में लीन होता है तो मुख्य होता है अपने लीन माजी जाता सब और यह ज्ञान का सब जब भी अपने को जानता पहचानता है तब मुख्य माजी होता है और जब अपने स्वरूप को जाता है एकाल होकर के लीन हो जाता है आत्मा की बाहर भूल करके कहीं मुक्ति कहीं मुक्ति ऐसे इतिहास मत को दर्शाने वाले ये गुरु है इसलिए ये मुक्ति करने में मुक्ति करें ये देखा जाए मुझे यहाँ आकर के हम आत्मा को समझे अपने हित को समझे और मुक्ति को मार्ग में बढ़े इतना सब Oh, my God.